あれ？तू रो क्यों रही है? कोई बात है? नहीं पापा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो बता ना, कोई परेशानी है? वो पापा, स्कूल में बोला गया है कि अब ऑनलाइन क्लासेस होगी। ऑनलाइन क्लासेस? हाँ, तो अब उसके लिए एक स्मार्टफोन चाहिए होगा, और अगर फोन नहीं होगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी और मैं फेल हो जाऊंगी। अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? तुझे पढ़ना है ना, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं कल ही ना तेरे लिए ऐसा फोन लाऊंगा जिसमें तू अपनी वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेगी। सच में? सच में। तू ना बस अपना पढ़ाई में ध्यान लग और बेटा खूब मेहनत। ठीक है पापा। लेकिन इतना महंगा फोन कहाँ से लाऊंगा मैं? लेकिन सतीश भाई, आपको तो हर रोज 10 किलोमीटर जाना पड़ता है दिहाड़ी के लिए। अगर आप साइकिल बेच दोगे तो फिर कैसे जाओगे? अपनी बेटी और उसकी पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। चलो ठीक है भैया, ये लो 1500 रुपये। आप बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जी भैया बताइए। भैया ये 1500 रुपये, इनमें ना एक मोबाइल फ़ोन दे दो जिसमें ऑनलाइन वाली पढ़ाई हो सके। भैया 1500 में तो कीपैड फ़ोन ही आएगा और उसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती। कोई पुराना फ़ोन दे दो, मुझे तो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए चाहिए। पर भैया सेकेंड हैंड फ़ोन भी 3-4 हज़ार से कम में नहीं आएगा और उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाएगी सही से। देख लो अगर कुछ हो जाए तो। माफ़ करना भैया, 1500 रुपये में तो कुछ नहीं हो पाएगा। भैया एक मिनट सुनना। कहिए। वो आपको फोन चाहिए था ना, मेरा फोन ले लीजिए। लेकिन हमारे पास तो भैया कुल 1500 रुपये ही है। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे एक नया फोन लेना है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसे बेचकर एक नया फोन ले लूँ। लेकिन भैया हमको तो वही फोन चाहिए ना जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई होती है। हाँ हाँ, इसमें सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये डब्बे में डाल कर देता हूँ। हाँ। ये लो फोन, और इसके अंदर चार्जर वगैरह सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये लो भैया, इस मोबाइल में ना सिम डाल दो। अरे वाह, फोन मिल गया आपको? हाँ, वो जो भाई साहब खड़े थे ना यहाँ पर, उन्हीं से खरीदा है। अच्छा, पर भाई साहब ये तो डमी फोन है। डमी मतलब? डमी मतलब कि ये नकली है, ये चलेगा नहीं। क्या? हाँ, भाई साहब आप रोइए मत। रोने तो क्या करूं साहब,
साइकिल भी गई, 1500 रुपये भी गए और फोन भी निकला। साहब मुझे दुख 1500 रुपया साइकिल का नहीं है साहब, मुझे दुख इस बात का साहब कि मेरी बच्ची अब पढ़ेगी कैसे साहब, मेरी बच्ची फेल हो गई साहब, तो मैं उससे आके कैसे मिलाऊंगा साहब कि उसका बाप उसको एक फोन ना दिला सका। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची की पढ़ाई जरूर पूरी होगी। आओ चलो मेरे साथ चलो, आओ। ये लो। पर मेरे पास तो इसके देने के लिए पैसे भी नहीं है। पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे, अभी तुम्हारी बच्ची की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक छोटी बहन है। ये लो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बस अपनी बच्ची को बोलना कि पूरा मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी से भी कभी भी कोई सेकंड हैंड फोन ले तो पैसे देने से पहले फोन वो जरूर चेक करें, और जब भी आपको बंदा फोन हैंड ओवर करे तो उसको दोबारा जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है कि डब्बे में उसने आपको एक डमी फोन दे दिया हो। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, बिकॉज योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स, सो ऑलवेज बी अवेयर। आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। फॉर मी देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, एक जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं और दूसरे जो लोगों का स्कैम होने से बचाते हैं, और उनको मैं सेवियर्स बोलता हूँ। And today I take a pledge to be a savior. Do you take that pledge? हम ऐसी अवेयरनेस सेशंस बनाते रहेंगे, और अगर आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ स्कैम हुआ हो, तो आप ये स्कैम सेवियर्स नाम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में स्कैम्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को उस स्कैम के बारे में पता चल सके। सो सी यू इन द ग्रुप। थैंक यू।